हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कि कोटलिन में कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है, तो सबसे पहले जानिए कि जो हमारा इसमें जैसे जावा और सी शार्प जैसे लैंग्वेज होते हैं, उसमें क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड होता है, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम किसी वेरिएबल या मेथड को अगर उसके आगे लगा देते हैं तो उसके लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही आप उस वेरिएबल और मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मगर कोटलिन में ऐसा कोई भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इसमें कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम मेथड और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिसको हमें कभी भी केवल क्लास के रेफरेंस से एक्सेस कर मतलब कर सकते हैं। आपको उसका ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो उसी को आपको देखना है, दोनों को देख चेक करेंगे हम कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी चेक करेंगे और बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी चेक करेंगे कि दोनों में कौन एक्सेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन सबको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे क्लास, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक बना दूंगा माई, ठीक है, और बना दूंगा यहाँ पे उसका क्लास का नाम दे दूंगा माई कॉम्पेनियन, और यहाँ पे क्लास का नाम दे दूँ क्लास। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर मैं दो चीज़ लिखूंगा, दो चार वेरिएबल होंगी, दो वेरिएबल होंगे नॉर्मल वाले, एक नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल मेथड, और एक होगा हमारा जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर होगा वो होगा नॉर्मल कंपेनियन ऑब्जेक्ट का वेरिएबल और कंपेनियन ऑब्जेक्ट का मेथड। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बनाऊंगा नॉर्मल वेरिएबल, तो वेर, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा 5। अब मैं एक और बनाऊंगा मेथड जो कि होगा हमारा फन नाम से, तो फन, और उसका मैं नाम दे देता हूँ एड वन नाम से, क्योंकि इसी नाम का एक और बनना मुझे, तो एड वन कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद से इसके अंदर दो पैरामीटर पास करूँगा, ए, और इसका टाइप होगा हमारा इंट, फिर करेंगे बी, जिसका टाइप होगा हमारा क्या, इंट, तो मैं इसका टाइप दे दिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा और इसका टाइप भी देना पड़ेगा कि कौन सा टाइप रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पे दे दिया इंटीजर, ठीक है। और इसके बाद से अंदर आऊँगा और रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब बनाऊँगा अब कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाऊँगा, तो मैं बनाऊँगा यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मेथड अवेलेबल बनाऊँगा। सबसे पहले बनाऊँगा वेर, और बनाऊँगा एक सेकेंड नंबर, इसको मैं दे दूँगा 6, और फिर हमारा होगा हमारा एक फंक्शन जो कि होगा हमारा एड टू नाम से, और यहाँ पे आने के बाद इसको पैरामीटर दे देंगे हम जो कि होगा हमारा इंटीजर, और एक होगा बी जो कि हमारा होगा इंटीजर। और फिर इसको क्या करेंगे, हम रिटर्न करना होगा, तो रिटर्न कैसे करेंगे, इसको रिटर्न में दे देंगे इंटीजर ही, तो यहाँ पे आएंगे इंट, और यहाँ पे आने के बाद से क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी, तो ये भी हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एक्सेस करूँगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट को बना करके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेन मेथड, यहाँ पे मुझे इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसको बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, देखिए क्या एक्सेस कर पा रहा हूँ नहीं, प्रिंट करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा द फर्स्ट, और यहाँ पर लिखूंगा वेरिएबल एज, ठीक है, और यहाँ पे करके मैं डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ माई कंपनी क्लास स्टार्ट, और डार्ट कर रहा हूँ, देख रहे हैं केवल सेकंड नंबर आ रहा है हमारा हमारा और एक मेथड आ रहा है हमारा, लेकिन हमारा ये फर्स्ट नंबर ये नहीं आ रहा है। अभी देखिए फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर लिखेंगे तो हमारा आएगा ही नहीं, एरर आएगा बार बार। तो यहीं पर अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर क्या हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हमारा जो सेकेंड नंबर है वो हमारा आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से करेंगे सेकेंड नंबर तो हमारा आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सेकेंड लिख दूंगा सेकेंड वेरिएबल ही, अब यहाँ पे आ गया। अब ये देखेंगे, अब मेथड के बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मेथड आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट और मेथड लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कंपाइल टाइम भी आपको मिल जा रहा है, रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्स्ट मेथड ही। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ उसको, देखिए एक्सेस कर पा रहा हूँ नहीं, डॉट करके मैं कर रहा हूँ, सिर्फ सेकंड नंबर आ रहा है और ए टू मेथड आ रहा है, लेकिन मैं एड वन मेथड नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, एरर आ रहा है मुझे, क्योंकि अब इसको एक्सेस या मैं देखिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, एड वन कर रहा हूँ तो अभी देखिए मुझे एरर आ रहा है, ये नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी देखिए मैं डायरेक्ट अगर मैं एड टू करूँ यहाँ पे, तो देखिए एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ से, मैं डायरेक्ट एक्सेस कर लूँगा यहाँ से एड टू, क्योंकि एड टू क्या है हमारा, एड टू यहाँ पे ही है तो छोटा में है, इसको मैं बड़े में लिखना होगा ना, एड टू हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे आ गया कि 5 और यहाँ पे 6 प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हमारा सेकेंड मेथड, जो सेकेंड मेथड है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ से। तो ये होता है इसको एक्सेस करने का, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाया आप इसको एक्सेस कर ले रहे हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ या इसको कंट्रोल लिख करके कमेंट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, आपको यहाँ पे एड वन है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इसको आके हटाना पड़ेगा यहाँ से, और डार्ट इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। और डार्ट करेंगी क्या, देखिए फर्स्ट नंबर अभी आपके आ गया और आपके एड वन मेथड भी आ गया। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 6 करके आप इसको रन कर सकते हैं। अभी देखेंगे, मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। 4 और 6 का जो आउटपुट आएगा वो हमारा 10 हमारा मिल जाएगा, जो भी होगा हमारा फर्स्ट मेथड का जो होगा हमारा एड वन का। उसके बाद अभी आपको वो भी दिखा दिए कि कैसे आप बिना ऑब्जेक्ट के भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंपेन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हो गया होगा वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और यहाँ बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसको मैं चाहूँ तो बार बार एक भरे भरे स्टोर भी कर सकता हूँ, ताकि मैं बार बार इसको एक्सेस ना करूँ वायर। और यहाँ पे मान लीजिए मैं सीपी कर लिया, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या किया, माई कंपेनियन डॉट क्लास करके इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक्सेस कर देगी, हमारे यहाँ पे आ गया द फर्स्ट मेथड इज 10, क्योंकि 4 4 10 करती है, तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं चाहूँ तो इसको करके डायरेक्ट इसको नहीं लिखना पड़ेगा बार बार, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सी पी भी लिख सकता हूँ, सी पी डॉट एड वन करूँगा, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आएगा। मैं रन करके दिखा रहा हूँ, तो बार बार इसका क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, एक बार बना लीजिए और सी पी को जितनी मान करें उतनी बार आप एक्सेस करिए। अब यहाँ पे जो वेरिएबल उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, सी पी डॉट, और यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर भी हमारा आ गया, यहाँ पे उसको पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ से इसको रन करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा, बट ये अलग लाइन में नहीं आएगा, एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि हमने प्रिंट या अलग कहीं भी नहीं किया है, प्रिंट का यूज़ किया है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर इज 5, और यहाँ 5 भी आ गया यहाँ पे 4 6 10 के बाद से, द फर्स्ट नंबर इज 5 और द फर्स्ट मेथड इज 10। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट यूज करके बना सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना ऑब्जेक्ट बनाए सिर्फ इसमें एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे उसको मैं लिख दूँ, मैं सेकेंड नंबर इज, आपको नहीं लिखना पड़ेगा सेकेंड नंबर इज, और यहाँ पे इसको लिखना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माई क्लास डायरेक्ट लिख देंगे तो भी आपको एक्सेस कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। तो माई कंपनी क्लास डॉट, और यहाँ पे सेकेंड नंबर आ गया हमारा, और मैंने मेथड का भी नहीं जिक्र किया था, तो मैं आपको उसको भी इसका बता दे रहा हूँ, फर्स्ट मेथड इज, और यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेकेंड मेथड करके, या फिर हमारा जो एड नाम से है उसको यूज़ करके, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 करके, और इन सबको मैं एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे सबका आंसर लगभग अलग अलग आएगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट का एलन का यूज़ करना चाहिए मुझे, मैं प्रिंट इसलिए सब एक ही लाइन में आएगा हमारे यहाँ पे। तो इस तरह देख सकते हैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट बहुत ही यूजफुल होता है, इसको आप एक जगह यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, बस इसमें फायदा ये होता है कि आपको इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह स्टैटिक कीवर्ड होता है जावा में, तो उसको आप बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह इसमें भी होता है। अब यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ इसको मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं डायरेक्ट कंपेनियन ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सीपी भी लिख सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या देखना चाहते हैं, तो वो भी एक्सेस करेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही होता है हमारा, चाहे इसे एक्सेस करें चाहे इसे एक्सेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सी पी डॉट सेकेंड, और नंबर जो हमारा होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं आप डायरेक्ट दिखा रहा है कि अब स्टेटिक कीवर्ड है, तो आप इसको यहाँ देखिए दिखा रहा है कि ऑलरेडी इसमें है, तो आप इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर किसमें है, सेकेंड नंबर हमारा इसमें है, तो ये स्टैटिक कीवर्ड होता है, डायरेक्ट आप इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं हम।